नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं राहुल द्विवेदी आपका होस्ट और दोस्त लेके आया हूँ आज की कुछ खास टेक न्यूज़ दोस्तों। तो आइए फिर बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज की पहली खबर की, जो कि आती है OnePlus की तरफ से। दोस्तों OnePlus ने अनाउंस कर दिया है कि ऑक्सीजन OS का ओपन बीटा 4 अब उपलब्ध है OnePlus 7 और 7 Pro के लिए। तो दोस्तों देखते हैं ये कब आपके मोबाइल तक पहुंचता है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है Huawei की तरफ से। दोस्तों Huawei बैंड 4 आ गया है और इसमें आपको मिलेगा कलर डिस्प्ले, साथ में मिलेगा आपको USB A टाइप चार्जिंग का इसमें पोर्ट लगा होगा, जिससे आप अपने लैपटॉप से मोबाइल से इसको चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग ने अनाउंस किया है कि Zynos 990 और वो आएगा 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। और देखते हैं ये फ़ोन ये किस में ये सारी चीज़ें ये फ़ोन में एक साथ डाल के देते हैं, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 का सेकेंड One UI 2.0 बीटा बहुत जल्दी आने वाला है आपके मोबाइल में अपडेट के रूप में। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है मोटरोला की तरफ से। दोस्तों मोटरोला का एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है, पर उससे पहले इस फ़ोन को देखा गया गीक बेंच की वेबसाइट पे। दोस्तों जो ये फ़ोन है ये है आपको मोटो G8 प्लस दोस्तों, और इसमें लगा होगा, अगर हम गीक बेंच की बात माने तो इसमें लगा होगा दोस्तों स्नैपड्रैगन 665। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है Huawei की तरफ से। दोस्तों Huawei Mate XS बहुत जल्दी आने वाला है, इसमें लगा होगा क्रीन 990 5G और ये दोस्तों आने वाला है मार्च 2020 तक। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है ट्विटर की तरफ से। दोस्तों ट्विटर ने रोल आउट कर दिया है डार्क मोड को और ये अब एंड्रॉयड यूज़र के लिए भी उपलब्ध है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो ने टीज किया है अपना एक स्मार्टफोन जिसमें होगा डायमंड शेप का एक कैमरा सेटअप। तो देखते हैं ये फ़ोन कब आता है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है Huawei की तरफ से। Huawei VR ग्लास दोस्तों ये ऑफिशियली अब लॉन्च हो गया है चाइना में, अब देखते हैं इंडिया में ये कब तक आता है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है एंड्रॉयड की तरफ से। दोस्तों एंड्रॉयड 10 बेस्ड EMUI का दोस्तों बीटा वर्जन अब अवेलेबल होगा Huawei Mate 20 फैमिली के लिए। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है दोस्तों गूगल की तरफ से। दोस्तों गूगल ने डिस्कवर किया है एक क्वांटम प्रोसेसर, और ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि ये प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ काम करता है। उनका कहना है कि जो कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर को भी कई साल या कई महीने लग जाते हैं, ये कुछ सेकंड में ही ये प्रोसेसर कर सकता है। और अगर ये बात सही हुई तो दोस्तों एक रिवॉल्यूशन आने वाला है इस फील्ड में। देखते हैं आगे क्या क्या इस पे प्रोग्रेस होती है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है HTC की तरफ से। दोस्तों HTC Vive Cosmos जो कि आएगा 6DOF सपोर्ट के साथ आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये एक VR बॉक्स है, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स दोस्तों, और इसकी कीमत जो रखी गई है वो रखी गई है 89,990 रुपीज़। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की, जो कि आती है रियलमी की तरफ से। तो मैंने कल की न्यूज़ में आपको बताया था दोस्तों कि रियलमी के फ़ोन में बहुत जल्दी कलर OS 7 आने वाला है, पर आज एक और न्यूज़ आई है दोस्तों कि जो कलर OS 7 का अपडेट आएगा रियलमी के फ़ोन्स में वो एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन होगा या कंपैटिबल होगा केवल रियलमी के फ़ोन्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक एक्सक्लूसिव चीज़ जो रियलमी अपने कस्टमर को देगा दोस्तों। दोस्तों तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है दोस्तों। और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको दिख ही रहा होगा सामने, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, उसके बाद बेल आइकॉन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक ऑप्शन आएगा ऑल का, ऑल को हिट कर दें तो मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगा कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Please subscribe my channel, hit like button and press bell icon. Yours Rahul Dwivedi.